भारत रे थिबा सबु बांग्लादेशी को बाहर करा जाऊ, नहले भारत दिने बांग्लादेश हो जिवो, एभली कहिसंती प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। बांग्लादेश रे अनेक दिन हेबो अशांति लागि रहिछि। ए सबु भितरे बांग्लादेशी हिंदूंका उपरे होतिबा अत्याचार उपरे सारा विश्वर नजर मध्य रहिछि। देश रे संख्यालघु हिंदूंका उपरे अकथनीय अत्याचार करा जाउछि। केवल सेतिके नुहे अनेक हिंदू मंदिर मध्य भंगा जाइतिबार देखिबाकु मिलिछि। आजि मध्य बांग्लादेश रे थिबा एक लोकनाथ मंदिर उपरे आक्रमण करा जाइतिबा खबर सामना आसिछि। सेपटे ए सबु भितरे इस्कन पुजारी चिन्मय ब्रह्मचारी को गिरफ घटना भारत रे मध्य चांचल्य सृष्टि करिछि। ए घटना परे अनेक भारतीय निज प्रतिक्रिया रखिछन्ति। एनेई कथावाचक देवकी नंदन मध्य निज टिप्पणी दैछन्ति। से कहिछन्ति कि देश रे थिबा समस्त बांग्लादेशी को खूब शीघ्र बाहर करा जाऊ, नहले आगामी किछि वर्ष भितरे एठारे बांग्लादेशी को संख्या अधिक होइ जिवो। वर्तमान बांग्लादेश रे जिउ भली परिस्थिति देखा दैछि, एहा द्वारा हमें अनेक किछि सिखिबा दरकार, आगुआ सचेतन हेबा दरकार। भारतर संस्कृति को रक्षा करिबा आम दायित्व। से कहिसंति कि बांग्लादेश रे हिंदू उपरे होतबा अत्याचार पाई बांग्लादेश सरकार मध्य दायी, कारण हिंदू मानक समस्त स्वाधीनता सेठरे छड़ाई निया जाइछि, एहा स्पष्ट रूपे जना पड़ुछि। तेबे एथिरे जाति संघ हस्तक्षेप करिबा दरकार बोली गुरु देवकी नंदन ठाकुर कहिसंति। भारत रे थिबा समस्त नेता मध्य एहा विरुद्ध रे स्वर उठाइबा दरकार, नचेत परिस्थिति आहुरी बिगड़ीबार संभावना रहिछि। तेबे तांकर ए वक्तव्य परे एही वीडियो एबे अनेक भाइराल हेबारे लागिछि। जदि देखिबा बांग्लादेशी हिंदूंको सुरक्षा पाई भारत समेत अमेरिका देश रे मध्य लोके रैली करुतबार देखबाक मिलिछि। शेख हसीनाको इस्तफा परे हिंदूंको उपरे होतबा अत्याचार मामला रे पाखापाखी 200 रु अधिक केस फाइल होइछि, मात्र एनै कोनोसी कार्यानुष्ठान नै नाहंती बांग्लादेश सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट समय लाइव।